आखिरी तरह का एक विशेष तरह का तरह होता है जिससे हमारे अंदर की दिव्य शक्तियाँ जागृत हो सकती हैं और विशेष ऊर्जाओं का आभास या अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। हम चलिए हम देखते हैं त्राटक साधना कैसे करी जाती है। इस त्राटक में हमको दर्पण के अंदर कुछ रंग प्रकाश या कुछ दृश्य दिखाई दे सकते हैं। ये प्रकाश हमारी अवचेतना का प्रतीक माने जाते हैं। ये प्रकाश का एक अर्थ ये भी माना जाता है कि आपका अवचेतन मन सक्रिय हो चुका। अगर दर्पण में कलर दिखाई दे रहा है, प्रकाश दिखाई दे रहा है, वह दिखाई दे रही, तो इसका मतलब कि अवचेतन के सामने आप आ चुके हैं। दर्पण में हमारी आकृति जो होती है वह अलग व्यवहार करती है, क्योंकि वह चेतन और अवचेतन के सामने का कार्य होता है। दोनों एक दूसरे के सामने हो जाने से चीज़ें हमें थोड़ी चेंज बदलती दिखाई देती हैं। कई बार दर्पण में हमें आकृति या कहीं हम कईयों के दृश्य देखने लगे, वह अवचेतन की अवस्था के कारण होता है। यह अवचेतन अवस्था इसलिए सक्रिय हो जाती है क्योंकि हमारी जो अभी तक की चित्र त्राटक करें उन त्राटकों के बल से हमारी ऊर्जा किसी चीज़ के माध्यम से हमें दिखाई दे रही है, और वो दर्पण इसका एक अच्छा माध्यम हो सकता है। अवचेतना की अवस्था जब जैसे प्रारंभ हो जाती है तो हम जिस तरह की सोच रखते हैं तो उसी तरह की हमको दृश्य या माहौल महसूस होने लगता है। अगर हम अच्छी सात्विक प्रवृत्ति रखते हैं तो हमें देवी देवता, पेड़ पौधे या दिव्य रंगों का आभास होता रहता है। इन रंगों के प्रभाव से हम हमेशा स्थिरता या हमारे कहें मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त होती रहती है। इस तरह के आभास को जितना विकसित करेंगे उतना फ़ायदा रहता है। पर एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपकी मानसिकता नकारात्मक है तो आपको इस दर्पण में भूत पलित या डरावने दृश्य भी दिखाई दे सकते हैं। ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। इस दर्पण में साधना में हर साधक के अनुभव अलग अलग होते हैं। सिद्ध आप एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप ये दर्पण ताटक सीख रहे हैं या कोई भी साधना सीख रहे हैं तो उसमें सिद्ध गुरु और एक अच्छे परफेक्ट गुरु का साथ लीजिए, जो आपको पूर्ण और सूक्ष्म जानकारी दे सके। इस दर्पण में अलग अलग अनुभव होते हैं, अलग अलग आभास होते हैं, जिसको आप कोई एक स्थाई नहीं होता, बस ये साधक की साधना अनुभव और उसके व्यवहार और उसकी सोच पर निर्भर करते हैं। हमें यही ध्यान रखना है कि साधना शुद्ध और सात्विक है। इसके माध्यम से हम दिव्य आभा मंडल या भविष्य में वाली घटनाओं को आसानी से देख सकते हैं। इस त्राटक को आप करिए और इसके अनुभव देखिए, आपको प्रैक्टिकली अनुभव समझ जाएंगे। इस साधना की सिद्धि आपको खुद पता लगेगी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो त्राटक साधना कर रहे हैं वह अच्छे तरीके से करें, सही तरीके से करें। सही तरीके से करेंगे तो अपने आप अनुभव होंगे, गलत तरीके से करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर इस तरह के अभ्यास जिस तरह के आपके पूर्ण हो चुके हैं उसी तरह से करिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।